राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के अणवाना गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं पुलिस और प्रशासन के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती हूं। ओसियां में हनुमान वेनीवाल के यहां पर एडिशन एसपी सहित कई थानों के अधिकारी लगा दिए, यह बंदरबांट की जा रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। दिव्या मदेरणा ने कहा कि मेरे पर भोपालगढ़ में 11 अप्रैल को हमला हुआ था, तब मेरी गाड़ी पर चौतरफा घेर का हमला हुआ था, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी, तीन पहले कहा था कि मेरे पर हमला होगा, बड़ी मशक्कत से वहां से निकली, नहीं तो मैं अस्पताल होती। और प्रशासन के पास चुनाव नहीं लड़ते हम, ये किसी को गलत फहमी हो तो निकाल देना। आप एडिशनल एसपी, डिप्टी एसएचओ और खेड़ा वाला एसएचओ भी ओसियां भेज दिया गया, ये डीजी और एसपी जवाब देंगे कि थाना हल्का खुदाकर वहां पे आज अभी फोटो मंगा लो आप, खेल मैदान में 300 लोग बैठे, 300 लाइव चल रहे हैं, दिखा देना कितने लोग, 300 लोग और 1000 जो कि आपके बावड़ी भोपालगढ़ और लूणी से कह रहे हैं ओसियां का कोई बच्चा उस सभा में नहीं है, वो 1000 लोग चल रहे हैं और 6000 से भी ऊपर की भीड़ इस सभा में, और पुलिस को ये नहीं लगा कि एक महिला विधायक की सुरक्षा में हमें यहाँ होना चाहिए। थाना खुदाकर खेड़ा का वहां एसएचओ जाता है, ये बंदर बाट राजस्थान की जनता और राजस्थान का किसान देख रहा है। मेरे पे हमला हुआ था भोपालगढ़ के अंदर, मैं ओसियां से जीत कर गई हूँ, भोपालगढ़ से नहीं जीत के गई, लेकिन जब भोपालगढ़ की जनता से अन्याय हुआ, उन्होंने हुकार लगाई, तो मैं भोपालगढ़ की जनता की मदद के लिए वहां गई थी। मैं मेरे लिए नहीं गई थी, मैं किसान की मदद के लिए गई थी, उनके लिए गई थी जो 52 से लेकर आज तक 75 साल 3 पीढ़ियां हमारे साथ दुख में अपने साथ चले हैं। आपने देखा ना नजारा, देखा ना मेरी गाड़ी को चौतरफा घेर के मारा था, पूरे सुरक्षा में गई थी मैं, एडिशनल एसपी और 5 थाने लगे हुए थे, आगे पीछे एसएचओ गाड़ियां थी, और मैंने 3 दिन पहले कह दिया था एसपी को कि मेरे पे हमला होगा, आप पुलिस सुरक्षा में वोट कराइए, वो उसका अधिकार लोकतंत्र में संविधान ने हमें दिया है, और बिना डर के उसको सुरक्षा में वोट कराना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेरे गाड़ी पे हमला हुआ, बड़ी मशक्कत करके उस गाड़ी को वहां से निकाला, नहीं तो मेरे भी कोई हाथ पैर टूटे हुए ऊपर नहीं जाते तो आईसीयू में तो पक्का ही नजर आते हैं आपको बैठे। आज तक एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने एक महिला विधायक पे हमला किया, ऐसी कौन सी चूड़ियां राजस्थान की पुलिस ने पहन रखी है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो असामाजिक तत्व, जो गुंडे एक महिला विधायक पर सरेआम हमला करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाती, ऐसी क्या विफलता आईजी की और एसपी की होती है, यह जवाब देना पड़ेगा राजस्थान के डीजी को। आज वो धारा दिया वायुश्रेणी की सुरक्षा देनी और खाना पूर्ति कर दी, आज वो का वो मंजर हुआ, दो कॉन्स्टेबल और बाकी पूरा पुलिस का महकमा ओसियां में बैठा है, मैदान में अभी 300 लोग बैठे हैं। किसको सुरक्षा देना चाहते हो, किसकी सुरक्षा को ताक पे रखना चाहते हो, यह जवाब देना पड़ेगा। ये तुम्हारी वायुश्रेणी तुम रखो, कोई जरूरत नहीं है दिव्या मदेरणा को एक कांस्टेबल की, जरूरत नहीं है मेरे पास से जनता का राज, कोई जरूरत नहीं, आप जाइए और हनुमान वेनीवाल के लम्बे हो जाइए, 5000 की भीड़